एक ही सवाल आपने जब करियर की शुरुआत की थी या जब आप आगे बढ़ रहे थे धीरे धीरे बेबी स्टेप्स ले रहे थे आपने कभी सोचा था नंदिता दास की फिल्म में हीरो बनेंगे आप गुड आफ्टरनून थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आप सब अपने कीमती समय में से समय निकाल के आए हैं और कम टू योर क्वेश्चन कि मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था इन्होंने भी कभी नहीं सोचा था <laughs> 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 तो हा एक्चुअली पर मैं नंदिता मैम का हमेशा फ़ैन रहा हूँ एज एन एक्टर जब ये काम करती थी और फिर जब इन्होंने फिल्में डायरेक्ट की दोनों फिल्में मैंने देखी हैं फिराक और मंटो उन फिल्मों को देखने के बाद तो मैंने लाइफ में जब पहले भी नहीं सोचा था और वो दो फिल्मों को देखने के बाद तो मैंने कभी ख्याल भी, भी नहीं आया कि ऐसे सीरियस सिनेमा बनाती हैं ये हालांकि खुद ये पर्सनल लेवल पे बहुत फ़नी भी हैं और हमने बड़ी मस्ती भी की है इस फिल्म को शूट करते हुए बट थैंक यू नंदिता मैम एंड थैंक यू समीर सर फॉर टुक मी सो सीरियसली और uh, हमने एक छोटी सी कोशिश की है एक अपने देश की अपने लोगों की एक कहानी कहने की कोशिश की है जैसे नंदिता मैम ने कहा कि हमारे जितनी भी फिल्में बनती हैं uh, कहीं ना कहीं हमारी हिंदुस्तान की जो uh, अपनी स्टोरीज होती hmm. हैं कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाती हैं right. बनती हैं ऐसा नहीं कि नहीं बनती पर uh, ये जब आप देखेंगे फिल्म तो आई थिंक uh, हर कोई अपने uh, हर कोई रिलेट कर पाएगा जरूरी नहीं कि वो फूड डिलीवरी राइडर ही हो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी शायद कहीं ना कहीं नौकरी खो देते हैं या ऐसा काम कर रहे हैं जो शायद वो मन से नहीं करना चाहते वो कुछ और करना चाहते हैं so जब आप पूरी फिल्म देखेंगे फिर आपको पता चलेगा आई एम श्योर और अभी ट्रेलर देखेंगे सर यहाँ पे लेकिन उससे पहले मुझे पता लगा है वी हैव अ सरप्राइज फॉर ऑल दीज अमेजिंग पीपल हियर आपकी तरफ से कुछ होने वाला है कुछ सरप्राइज बोला था मुझे मेरी तरफ से सरप्राइज हाँ मैं खुद दुनिया में सरप्राइज आया हूँ मुझे क्या आई थिंक ट्रेलर सबको दिखा देते एक बार उसके बाद हम लोग अपना क्यों डन सर डन सो इट्स टाइम फॉर ट्रेलर जिसका हम इतने टाइम से इंतजार कर रहे थे थैंक यू कपिल भाई थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू us. <laughs>